मेरा नाम माधव साहु है, मैं गढ़फुलझर मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। और आप तेली समाज से भी आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, मैं तेली समाज का हूँ। तो जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, बीजेपी ने इस बार तेली समाज से अपना प्रत्याशी न बनाकर अन्य ओबीसी वर्ग से महिला जो है रूप कुमारी चौधरी जी को टिकट दिया है, वो पूर्व में विधायक भी रही है जी। तो क्या लगता है आपको, तेली समाज उनके समर्थन में रहेगा? रहेगा ना, हमारा पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट दिया है, हमारा प्रत्याशी घोषित किए हैं रूप कुमारी चौधरी जी को। उनके काम काज, वो पहले हमारे जिला सदस्य हमारे मंडल में थे, भारी मतों से हम लोग वो हमारे क्षेत्र के वोटर ने वोट दिए थे। अभी विधायक भी थे, संसदीय सचिव भी थे। हमारा विधानसभा में विकास हुआ है बहुत सारा, जब संसदीय सचिव थे तब। अच्छा, ऐसी क्या क्या उपलब्धि रही जब वो पूर्व में विधायक रही थी, देखिए इसको देखकर आप वोट देना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग उनके जो 5 साल के कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में स्कूल, रोड, पुल, पुलिया पूरा विकास किए हैं, और अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, तो उनका दायित्व को वो समझते हैं, और पब्लिक के पूरा हमारे मंडल में क्या विधानसभा में उनका नेतृत्व में इतना काम होता है, बहुत सारा काम किए हैं। अच्छा, क्या आपके समाज में किसी तरह की कोई नाराजगी देखने को मिल रही है, अगर उनको अपेक्षित किया गया है, ऐसा लोगों का कोई सोचना विचार है? नहीं, कुछ नहीं है, वो सिर्फ भाव हाव है भाई, पार्टी बीजेपी का टिकट दिया है, हम उसका काम करेंगे। ये सामाजिक में कोई ये नहीं है भाई, नहीं, मोदी जी को जिताएंगे हम, नरेंद्र मोदी जी को देख के जिताएंगे। नरेंद्र मोदी जी का हमारा भारत में उनका काम पूरा विश्व में उनका रिकॉर्ड है, वो तो भी तेली समाज के है ना, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। क्या कुछ खास नजर आता है आपको बीजेपी ने जो वर्तमान प्रत्याशी बनाया है रूप कुमारी चौधरी ने? भैया देखिए, रूप कुमारी चौधरी जी ने कोई जाति समीकरण उनका कोई वो नहीं है, कोई जाति से नहीं, वो सब समाज को देखते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे हमारा आदिवासी समाज के हो, हर वर्ग को लेके चलते हैं वो। उनका दिल में वो नहीं रहता है, हम उसको लोकसभा अभी टिकट मिला है उनको, हम लोग पूरा हमारे लोकसभा क्षेत्र में उनके विकास और वो जाति समीकरण का कोई उसमें वो नहीं है कि गलत भावना, ये सिर्फ हम लोग वो उनका उनको सब पूरा हर जात हर वर्ग को लेकर चलते हैं, उसके नाम से हम लोग पूरा उनको वोट देंगे।